ये 500 ग्राम आलू है, इसे कद्दूकस किया जा रहा है। पचास ग्राम चावल का आटा, 100 ग्राम चना का बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा गोलकी पाउडर, आधा चम्मच मंगरेला अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर इसे सभी को मिलाकर अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सूखा सूखा टाइप का लग रहा था। नींबू, कढ़ाई गर्म हो रहा है जिसमें रिफाइंड तेल डाला जा रहा है। अब इसे में पकौड़े को छाना जाएगा छोटा छोटा लोई बनाकर। ये आलू का लच्छेदार पकौड़ा है, बहुत क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे बहुत ईजी तरीक़े से बनता है। इसे पलट पलट कर अच्छे तरीके से पकाएंगे। बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए कलर भी बहुत बढ़िया इसका है। बाकी के पकौड़े भी इसी प्रकार छान लेंगे। सॉस के साथ खाने में और भी मज़ा आता है। सॉस या किसी भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।